जी अस्सलाम वालेकुम। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं डिस्टिंग्विशिंग पैसिव एंड एक्टिव मेम्ब्रेन प्रॉपर्टीज को। पैसिव मेम्ब्रेन प्रॉपर्टीज कौन सी हैं वो भी डिस्कस करेंगे, और उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो भी डिस्कस करेंगे। ऑन द अदर हैंड, एक्टिव मेम्ब्रेन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कौन सी हैं उनको भी डिस्कस किया जाएगा, और उनका मैकेनिज्म जो है उनको फाइंड आउट कैसे करते हैं ये भी देखा जाएगा। ठीक है, तो लेटर जो हमारा बाकी का जितना भी चैप्टर है एकट का वो इसी पर बेस कर रहा है। ओके, सो सबसे पहले हमने देखना है, जनरलाइज पॉइंट ऑफ व्यू देखना है पैसिव इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का। तो उसके अंदर हमने देखना है सबसे पहले कि पैसिव इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में हम ऐसे कौन से प्रोसीजर करते हैं कि जिससे हमें पता चले, ठीक है, इसकी पोटेंशियल का और इसकी प्रॉपर्टी का मैकेनिज्म पता चले ना, डिफरेंस पता चले। ओके जी, सो पैसिव इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेल मेम्ब्रेन कैन बी मेजर्ड बाय पासिंग ए पल्स ऑफ करंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू प्रोड्यूस अ स्लाइट पर्टर्बेशन ऑफ द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। टू डू दिस, टू माइक्रो इलेक्ट्रोड इंसर्टेड इन वन सेल, वन द करंट इलेक्ट्रोड एंड द अदर वन इज द वोल्टेज इलेक्ट्रोड। हियर इज योर वोल्टेज इलेक्ट्रोड एंड ऑन द अदर हैंड दिस इज योर करंट इलेक्ट्रोड। वोल्टेज इलेक्ट्रोड इज इंसर्टेड इन टू द सेल सो दैट टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस हियर दैट इज ड्यू टू द what you can say due to the flow of current across the cell. Okay, so next जो है, one the current electrode delivers a current that can made okay जी that can be made to flow across the membrane in either the inward or to the outward direction depending on the polarity of the electric current delivered from the electrode. ठीक है, वो पोलैरिटी पे डिपेंड कर रहा है कि वो कौन सा जो है इलेक्ट्रोड जो है वो जो करंट है वो मूव करेगा, साइटोसोल से बाथ में मूव करेगा या बाथ से साइटोसोल में मूव करेगा, तो ये पोलैरिटी पे डिपेंड कर रहा है। द अदर इलेक्ट्रोड द रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड रिकॉर्ड्स द इफेक्ट ऑफ दिस करंट अमाउंट। ओके, नोट दैट ऑल द करंट कैरिड इन सॉल्यूशन एंड अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज इन द फॉर्म ऑफ माइग्रेटिंग आयन्स। ठीक है, माइग्रेट करते हैं आयोन्स, उनकी वजह से क्या होता है कि जो करंट है वो आपका फ्लो करता है। ठीक है, दस इफ द इलेक्ट्रोड इज मेड, हाईलाइट कर लें इस चीज को, इफ द इलेक्ट्रोड इज मेड पॉजिटिव दिस करंट विल बाय डेफिनेशन, अगर हम इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव कर दें, दिस करंट विल फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम द करंट इलेक्ट्रोड इनटू द सेल। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हाई पोटेंशियल है, तो हाई पोटेंशियल से हमेशा जो है वो करंट कैसे कहाँ पे फ्लो करता है, लो की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, पॉजिटिव से वो नेगेटिव की तरफ करंट मूव करने लग जाएगा, बिकॉज यू नो दैट कि जो हमारा साइटोप्लाज्म है ये जो इनसाइड द इंट्रासेलुलर जो एनवायरनमेंट है दैट इज वेरी मच नेगेटिव एज कम्पेयर टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट। ओके, सो नेक्स्ट चीज जो है वो ये है कि कन्वर्सली इफ द इलेक्ट्रोड इज मेड नेगेटिव इट विल ड्रॉ पॉजिटिव चार्ज आउट ऑफ द सेल एंड कॉज करंट फ्लो इन टू द सेल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। दिस सिचुएशन इज डिपिक्टेड इन 5.8। अगर जो है चार्ज को, अब अगर हम इलेक्ट्रोड को क्या करेंगे, नेगेटिव करेंगे, तो क्या होगा कि करंट जो है वो मूव करेगा फ्रॉम द सेल टूवर्ड्स इलेक्ट्रोड। ये जो सिचुएशन है वो यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है कि देखें, जैसे ये जो इलेक्ट्रोड है इसको अगर हम कर देते हैं दिस वन, ओके, यहाँ पे अगर हम इसको क्या कर देंगे नेगेटिव, ठीक है, इसको हम कर देंगे पॉजिटिव। ठीक है, तो करंट ने कैसे मूव करना है, करंट ने सेलाइन बाद से मूव करके, ठीक है, यहां से जाना है, ठीक है, और यहां से फिर मूव करता करता कहाँ पे जाएगा, इस इलेक्ट्रोड में जाएगा। ठीक है, और फिर ये आगे मूव करके सर्किट पूरा करेगा। ओके, सो व्हेन ए करंट पल्स रिमूव्स
पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनसाइड द सेल थ्रू द करंट इलेक्ट्रोड, दैट इज व्हेन द करंट इलेक्ट्रोड इज मेड मोर नेगेटिव. अगर जो है करंट इलेक्ट्रोड को क्या करेंगे हम, ज्यादा नेगेटिव कर देंगे, द नेगेटिव इंटीरियर ऑफ द सेल बिकम स्टिल मोर नेगेटिव. अब देखो कि यहाँ से क्या हुआ, करंट जो है वो मूव करके इलेक्ट्रोड के अंदर जा रहा है, ठीक है. यहाँ पे पहले जो है हमारे पास जो पॉजिटिव चार्जेस थे वो कम थे, यहाँ से क्या हुआ मजीद जो पॉजिटिव चार्जेस है वो मूव करके कहाँ पे जा रहे हैं, इलेक्ट्रोड में जा रहे हैं, इलेक्ट्रोड में ट्रांसफर हो ही जा रहे हैं. तो उससे क्या हुआ कि जो इनसाइड द सेल है दैट विल बिकम मोर मोर नेगेटिव, ठीक है. तो उसके वजह से क्या होता है, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उससे भी क्या होता है, जो पोटेंशियल आपका है वो नीचे चला जाता है, और उस कंडीशन को हम बोलते हैं व्हाट यू कैन से इट योर हाइपरपोलराइजेशन, ठीक है. नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से अगर पोटेंशियल मजीद नीचे चला जाए, ठीक है, तो उसको हम हाइपरपोलराइजेशन बोल देते हैं. आगे उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कि अगर -60 mV किसी का थ्रेशोल्ड है, या उसका थ्रेशोल्ड कह रही हूँ, तो उसका अगर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है तो -70 mV अगर उसका हो गया है तो दैट मीन्स के हाइपरपोलराइज हो गई है मेम्ब्रेन. ऑन द अदर हैंड न्यूरोनल मेम्ब्रेन जनरली रिस्पोंड पैसिवली टू हाइपरपोलराइजेशन प्रोड्यूसिंग नो रिस्पॉन्स अदर देन द चेंज इन पोटेंशियल कॉज बाय द अप्लाइड करंट, ठीक है. तो उन्होंने कहा जी न्यूरोनल जो मेम्ब्रेन्स होती है ना वो पैसिवली रिस्पोंड करती हैं हाइपरपोलराइजेशन को, मीन्स टू से दैट कि यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई एनर्जी इन्वॉल्व नहीं हो रही, ठीक है. और पैसिवली यहाँ पर चैनल्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि यहाँ पे हाइपरपोलराइजेशन को करवाने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं, और इसके अलावा सेल पर इस चीज़ का कोई असर नहीं होता. हाइपरपोलराइजेशन यानी उसकी नेगेटिविटी ज्यादा होने के अलावा इस पर कोई असर नहीं होता. ओके जी, एज डिस्कस्ड इन नेक्स्ट सेशन सेक्शन द चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल दैट accompanies द पैसेज ऑफ एन अप्लाइड करंट इज गिवन बाय ओहम्स लॉ व्हिच रिलेट्स द प्रिंसिपल इन्वॉल्व्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट flowing across the membrane and to the membrane resistance. Next page पर जो है उन्होंने कहा कि हम इसको डिस्कस करेंगे, जो है हमारे पास वोल्टेज है और करंट है और इनके दरमियान जो है जो भी चीज़ है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. वो आगे अगले पेजेस में जाके जब हम डिस्कस करेंगे तो वो पता चलेगा कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो क्या करता है, वो कंपनी करता है यानी फ्लो ऑफ करंट कितना होगा, अप्लाइड करंट कितना होगा, ठीक है, उसको कंपनी कौन करता है, वोल्टेज डिफरेंस करता है, पोटेंशियल डिफरेंस करता है. जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, आपकी करंट होगी जो कि मूव करेगी, विच इज़ एक्चुअली योर मूवमेंट ऑफ आयोन्स from the cell or to the cell, towards the cell. Okay. When a current pulse adds positive charge to the interior of the cell through the current electrode, the additional positive charge will diminish the potential difference. अब दूसरी केस जो है, अगर क्या होता है कि when a current pulse adds positive charge to the interior of the cell, अब क्या हुआ यहाँ से मूव कर रहा है, अगर ये इलेक्ट्रोड जो है पॉजिटिव है तो इसलिए क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से मूव कराना है, तो इससे क्या हुआ जो आपका इनसाइड द सेल है दैट विल बिकम पॉजिटिव, ठीक है. तो उससे क्या होगा, आपकी जो इनसाइड द सेल है दैट विल बिकम डीपोलराइज, बाहर वाली जो सरफेस है आपके सेल की वो नेगेटिव हो जाएगी एज कम्पेयर टू द इनसाइड ऑफ द सेल. तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम डीपोलराइजेशन कॉज हो जाएगी. ओके, सो दैट इज द इंट्रासेलुलर पोटेंशियल बिकम्स लेस नेगेटिव. ओके, सो उन्होंने आगे बताया कि जी ये जो है एक सर्टन पोटेंशियल पर जाकर ये डीपोलराइजेशन एक्शन पोटेंशियल को ट्रिगर कर देती है, ठीक है.
वो जो सर्टन पोटेंशियल है उसको हम थ्रेशोल्ड पोटेंशियल बोलते हैं। और ये कैसे, और अगर जैसे ही थ्रेशोल्ड पोटेंशियल अटेन हो जाता है, उससे आपके जो सोडियम जो चैनल्स हैं, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, ये ओपन हो जाते हैं। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स के ओपन होने से क्या होता है कि आपकी मेम्ब्रेन की रेजिस्टेंस कम हो जाती है, ऑन द अदर हैंड आपकी मेम्ब्रेन की कंडक्टेंस बढ़ जाती है। कंडक्टेंस के बढ़ने से क्या होता है कि आपकी जो आयंस है, पॉजिटिव आयंस, वो पहले वेट अ सेकंड प्लीज। सो हम बात कर रहे थे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स की, जैसे ही वो ओपन होंगे तो उसकी वजह से नॉर्मली जो करंट पास करने की वजह से पॉजिटिव हुआ था, उससे कहीं गुना ज़्यादा पॉजिटिव आयंस इनवर्ड मूव करेंगे, क्योंकि अभी सोडियम गेट जो है वो खुल चुका है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुल चुके हैं। ओके, सो इससे क्या होगा कि आपका जो पोटेंशियल है इनसाइड वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू द आउटसाइड, ठीक है। तो ये जो चीज़ है इसको आप बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो चुका है, एक्शन पोटेंशियल हो चुका है, और यही क्या करेगा, यही पोटेंशियल आगे मूव करता जाएगा, और पोटेंशियल मूव करता जाएगा और बाद में ऑल और नॉन रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा। अभी नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है छोटा सा, वो है रोल ऑफ आयनिक चैनल्स। इसके अंदर उन्होंने डिफरेंट चैनल्स को बताया हुआ है, ये डिफरेंट चैनल्स हैं, और रेस्टिंग पोटाशियम चैनल है जिसमें, और इसके अलावा वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है जो कि इन्वॉल्व होता है, डीपोलराइजेशन पोटाशियम जो है वो इन्वॉल्व होता है, सिंपली जो आपकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को अटेन करने के लिए, जो इनसाइड द मेम्ब्रेन जो पोटेंशियल है उसको नेगेटिव रखने के लिए पोटाशियम चैनल हमेशा ओपन रहता है। वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल भी क्या डीपोलराइजेशन में हेल्प करता है, लेकिन वो थोड़ा सा लेट होता है। इसी तरह वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल जो है वो भी क्या करता है, वो जैसे ही वो एक्टिवेट कब होता है, जब आपका जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव में चला जाता है, यानी एक्शन पोटेंशियल के वक्त वो एक्टिवेट होता है, ठीक है। और उससे क्या होता है कि आपका जो है ना डीपोलराइजेशन, यानी वो रीपोलराइजेशन अटेन करने के लिए वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल जो है वो ओपन होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो है वो है कैल्शियम एक्टिवेटेड पोटाशियम चैनल्स। और ये जो चैनल है ये क्या होता है, ये डिपेंड, पोटाशियम चैनल्स किस पर डिपेंड ये वाले कर रहे होते हैं, ये कैल्शियम की कंसंट्रेशन पर कर रहे होते हैं। अगर कंसंट्रेशन कैल्शियम की इनसाइड द मेम्ब्रेन ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या करेंगे, पोटाशियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है ये रोल है आयन चैनल्स का। अभी पैसिव इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेम्ब्रेन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।